मेरा नाम रघु है। मैं एक एथलीट था, लेकिन आज मेरी दुनिया बदल गई है। अब मुझे कोई नहीं जानता। मेरी पहचान मरी है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। आज देश की जो हालात हैं, इसको देखकर मुझे कुछ बातों के लिए तो बहुत खुशी हो रही है, तो कुछ बातों के लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खुशी इस बात की कि अब तक हमें लगता था कि हमारा केयर सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने करते हैं, लेकिन नहीं, हमारा केयर आज पूरा प्रशासन, हमारी सरकार, यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी, वो हमें जागरूक कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे बहुत गुस्सा है अपनी सोसाइटी पे। ये किसी की बात क्यों नहीं मानते? किसी के भी अपील का इन पे कोई असर क्यों नहीं होता? कोरोना वायरस ये एक महामारी है, एक महामारी। जब भी कोई बाहर निकलता है ना, तो मैं यहां बैठे बैठे तड़पता हूं। जब भी मेरी कोई अपने या कोई भी सड़कों पे बिना मतलब के तफरी कर रहे होते हैं, तो मैं बैठे बैठे यहां पे मर रहा होता हूं। जानते हैं क्यों? कि मैं सोचता हूं कि आपका क्या होगा। उस भीड़ में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, उसके एक टच से आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। अगर इलाज कुछ है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ सावधानी। कल यही बात मैंने अपने एक दोस्त से, लेकिन पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, यार एक्सीडेंट में तो तू अपने दोनों पैर गवा चुका है, तो तेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए बेटर है तू ऐसे ही भाषण देता रहे और वीडियो बनाता रहे, और हमें जो करना है वो हम कर लेंगे। मेरे पास कोई चॉइस नहीं। मेरी नहीं तो किसी की तो समझ ले यारा, किसी की तो समझ ले। कोई चॉइस नहीं मेरे पास।